एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनबॉक्स विद रोशनी। आज हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं वर्लपूल का 184 लीटर रेफ्रिजरेटर। ये टू स्टार है एंड सिंगल डोर है। ये आज ही डिलीवर हुआ है। हम लोगों ने इसको अमेजोन से ऑर्डर किया था 11,990 रुपीज पे। सो अब चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्स करके देखते हैं, उसका फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं कि क्या है। काफी बड़ा फ्रिज आया, मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि सब बॉक्स ऑक्स भर रखे होंगे, बट काफी अच्छा बड़ा फ्रिज है। यहाँ तक है, लेकिन ये लोग फ्रिज उल्टा रख कर क्या। अब इसको बॉक्स को ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारा फ्रिज। बॉक्स जो है डैमेज नहीं। ओके, तो ये टेपिंग वगैरह कर रखी है इन्होंने, सब रिमूव कर देते हैं फटाफट। इसको ज्यादा टाइट भी लगा देते हैं। ठीक है, ये कुछ सामान भी दे रखे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द यूज ऑफ इट। देखते हैं अभी, इसको खोलते हैं। ओके, अभी खुलेगा नहीं। हम लोगों को पहले इसको इससे हटाना पड़ेगा डब्बे पे से। तो आपको फिर थोड़ी देर बाद हम लोग डब्बे पे से उतार के फिर फ्रिज दिखाएंगे, बिकॉज अकेले वैल्यू उतारना पॉसिबल नहीं है। और तो कोई सामान मुझे लग नहीं रहा मिसिंग है। एक ये मुझे पड़ा हुआ मिला है, पता नहीं किस तरीके से पैकिंग करके दी है, इसका पता नहीं क्या यूज है। ये मुझे इसमें पड़ा हुआ मिला, लग रहा है इंस्टॉलेशन वालों को बुलाना ही पड़ेगा, वर्लपूल वालों को। ये एक चीज और पड़ी मिल गई है, ये दो चीज, ये एक स्क्रू, आई डोंट नो कहाँ लगेगा, क्या काम है। और एक ये कप जैसा कुछ, पता नहीं क्या यूज है इसका, कहाँ पे लगना है समझ में ही नहीं आ रहा। और ये फ्रिज बिल्कुल टेढ़ा हुआ पड़ा है, इंस्टॉलेशन वालों को बुलाना पड़ेगा, वो लोग इंस्टॉल करके जाएंगे तो होगा। ये गेट जमीन पे लग रहा है खुलने में, बाकी सब सामान तो ठीक है। वो तो सामान आपको बाद में दिखाएंगे रिव्यू वगैरह इसका, अभी बाकी आप अंदर से वीडियो में देख लीजिए। बाकी इसका ये कुछ आया है, इसमें भी कुछ सामान है, मैनुअल है, एंड देन ये कुछ सामान है, कुछ की है आई थिंक, ये तो फ्रिज की है लॉक करने के लिए। एंड एक ये कुछ है, इसका पता नहीं क्या यूज़ है। तो इंस्टॉलेशन वालों को बुलाना ही पड़ेगा। और एक ये इसमें एक्ट्रे दे रखी है, लाल जो भी है ट्रे में भी है, मेरे भी नज़र पड़ी कोई सामान पड़ा हुआ। एक मिनट रुकिए, रिमूव करती हूँ। आई थिंक ये नीचे लगने हैं फ्रिज के, ये स्क्रू से कुछ है, स्टैंड लग रहे हैं मुझे फ्रिज के। और ये है एक लौता, और ये है आइस ट्रे, बर्फ जमाने के लिए ट्रे। बाकी तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा और कुछ है इसमें। तो अभी इंस्टॉलेशन वालों को बुलाते हैं हम लोग, और इसको पूरा इसके पैरों पे खड़ा करते हैं, कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है इसको पूरा सीधा करते हैं। फिर आपको बाद में इसका वापस से फर्स्ट इंप्रेशन एंड अंदर का क्या क्या चीजें हैं वो तब देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। हाँ गाइस, एक चीज और जो याद आई, आपको दिखाया नहीं था, ये पीछे से पता नहीं इस तरीके से खुला हुआ क्यों है, अजीब सा बैग लग रहा है। हमारे जो वर्लपूल का फ्रिज है, डबल डोर वाला फ्रिज है घर में, उसका पीछे का बैग तो ऐसा नहीं है, पूरी वायरिंग इसकी बाहर निकली हुई है। मुझे इसका सेंस बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये ऐसा है तो
करंट लगने का खतरा रहेगा, चूहे का खतरा रहेगा, इसमें सब कॉकरोच घुस रहेंगे नीचे से, पता है क्या पूरा खुला हुआ है, मुझे तो सेंसर में आ नहीं रहा, इसमें नीचे की तरफ पानी जाने का डर है, कहीं इतना ध्यान रखना पड़ेगा। आई डोंट नो नीचे से वायरिंग कैसे खुली हुई है, हमारे डबल डोर के फ्रिज में तो नहीं है, मुझे तो याद नहीं आ रहा उसमें से कोई वायरिंग पीछे से ऐसे खुली हुई है। फिलहाल अभी इंस्टॉलेशन वालों को बुलाते हैं, देखते हैं। अमेजोन वालों का फोन आया था, उन्होंने हमसे बोला कि इंस्टॉलेशन वालों को आप बुला के क्या करेंगे, आप खुद ही फ्रिज को अनबॉक्स कर लीजिए, अगर इसमें कोई डैमेज है तो उसको रिटर्न में डाल दीजिएगा। अब अनबॉक्स करने में वैसे ही इतनी थकान हो गई, इतना भारी फ्रिज, अब खुद अकेले अनबॉक्स किया और अब देखिए सीधा भी खड़ा नहीं हो रहा, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा तो फ्रिज हो रहा है, और वो भी इसके कुछ ऐसा लग रहा है पार्ट्स मिसिंग है और ये आधी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। इससे अच्छा तो हम लोग इंस्टॉल करने वालों को बुला लेते हैं, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अब क्या कर सकते हैं, अब बुलान तो पड़ेगा ही। अनबॉक्स करने में जो मेहनत थी वो कर ही ली, ठीक है, थकान हो गई, सांस फूल रही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप अभी पूरा इसको इंस्टॉल करके वापस से आपको उसको ढंग से इसका फर्स्ट इंप्रेशन वगैरह इसका देंगे, और जब इंस्टॉलेशन चल रहा होगा तो उस समय का भी हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। वैसे इसका कलर वगैरह अच्छा है, ब्लू कलर पर्पल कलर सा है, बहुत सुंदर कलर है, लेकिन बस थोड़ा सा है कि इंस्टॉल जरा हो जाए तो थोड़ा इसको देख के थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा, बट हाँ वैसे ये अच्छी डील है। इतना ज़्यादा फ्रिज टेढ़ा हो रहा है कि हम लोग को लग रहा है कि इस तरफ गिर ना जाए, तो इसलिए हमने अपने अपने पास यहाँ पर स्पंज रखा हुआ था फोम, उसको फोल्ड करके इसके अंदर डाल रखा है, बिल्कुल एकदम टेढ़ा हो रहा है, मतलब गिरने को तैयार है, अपने पास से डाल रखा है हमने, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है। गाइस अगर आप लोग ऐसे फ्रिज मंगवाएं तो ये अमेजोन वालों की बातों में, ऑनलाइन शॉपिंग जिनसे भी मंगवाएं उनकी बातों में आके खुद से अनबॉक्स ना करें, इंस्टॉलेशन वालों को बुला लें, क्योंकि कोई डैमेज होगा आप उस समय भी रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन में एक तो अनबॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसमें बहुत बड़े बहुत सारे थर्मोकॉल्स वगैरह सब चीज़ें होती है, ठीक है, उसके बाद फिर देन आपको अगर इस तरीके से ऐसे खड़ा हो फ्रिज है ना और ऐसे टेढ़ा हो तो आपको खुद को दिक्कत होगी, तब भी तो आप बुलाएंगे ना, तो सीधे उनको बुला लीजिए। इतने सारे पार्ट्स ये लोग अनअटैच्ड भेजते हैं, ऐसी फ्रिज में अंदर रख के भेज दिए, उन्होंने चिपका के साइड में फ्रिज के अंदर रख के भेज दिए, क्या करना है उनका कुछ पता ही नहीं। तो इससे अच्छा यही है अगर आपको ऐसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आप ऑनलाइन शॉपिंग से मंगवाएं तो उन ऐप्स वालों की बात में ना आए, खुद से अनबॉक्स ना करें, आप इंस्टॉलेशन करने वालों को बुलाएं, वही आपको अनबॉक्स करेंगे, आप उस दौरान वीडियो वीडियो बना लें कि कोई डैमेज निकलेगा तो रिटर्न हो सके, और इंस्टॉलेशन वालों का भी 24 आवर्स में अराउंड आ जाते हैं वो, तो ऐसे कुछ नहीं है कि 5-6 दिन लेंगे। तो ये अभी इंस्टॉलेशन वाले आ गए हैं, ये इंस्टॉलेशन वाले आ गए अभी, और ये इंस्टॉल करेंगे हमारा फ्रिज। ये क्या चीज है, ये ऐसी वेस्ट है, काम कर रही है, ऐसी कुछ काम कर रही है, और ये स्क्रू और एक दो रबड़ के, ये क्या है, ये भी फ्रिज में से निकले, देते रहते हैं ऐसी खुली है, ये अंदर से नहीं निकले, ये पीछे की जो ट्रे थी ना उसमें पड़े हुए, और ये जो छेद है यहाँ पे, ये छेद सच में है या कुछ सामान मिसिंग है, जैसे यहाँ पे तो नहीं है ऊपर वालों में, ये बोतल के लिए ना मैम, ये बोतल के लिए ना, इसमें आपकी दोनों में बोतल रखी जाएगी, हाँ इसमें तो ऐसे आ जाती है बोतल, जाती है नीचे ना, ठीक है, ये तो ऐसे है, सेम है, दिक्कत कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। और ये पीछे से खुला हुआ जो है, ये भी खुली थी इसकी, ये क्यों दे रखा था उन्होंने, पीछे की तरफ पड़ा हुआ था, तीनों गिर गया होगा, हाँ डीलर की दुकान में कैसे गिर गया होगा यार, दिया होगा ऐसी, तो ये ऐसी खुली रहेगी वायरिंग वाला हिस्सा, हाँ ये तो ऐसे खुला रहेगा, अच्छा आप कैसे खुले थे, इसमें हवा लगती है ना, उसमें मोटर पर, तब जो गर्म होती है ठंडी भी होती है वो, इसलिए तो इसमें कॉकरोच वगैरह चूहे घुसने का वो तो नहीं रहेगा, ठीक है, अगर चूहा होगा तो फिर तो मैम घुसेगी यहाँ पे, इधर तो घुसेगी है ना, काट दो काट दे, हफ्ते में 3 दिन वैसे भी दबाना है, अगर यही दबाते तो यहाँ से 2 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर दीजिए बस खाली, ठीक है, मौसम के हिसाब से आप खुद बदल सकते हैं, जैसे भी गर्मी का मौसम शुरू होगा, फिर नहीं बल्ब के लिए, नहीं बर्फ के लिए, बर्फ के लिए मतलब इसके लिए ना, जैसे आपको जितनी आपको कूलिंग चाहिए होगी, ठीक है, सर्दी में चलता है आपका 1-2, बरसात में 2-3, और इसमें गर्मियों में आप 4-5 भी रख सकते हो, अगर ज्यादा गर्मी में तो हाई कर देता है, ठीक है ठीक है, ठीक है, वैसे नॉर्मली तो मीट पे रखिए आप, 3-4 के बीच में, ठीक है ठीक है, बाकी आपके मॉइस्चर कंट्रोल है, सब्जी में अगर मॉइस्चर आता है तो इधर कर दिया, नहीं आ रहा तो वहीं रखें, ठीक है, बस यही होता है इसमें।
तो अब हम इससे मतलब सामान रख सकते हैं अभी 3 घंटे बाद इसके तो ये चल रहेगा 3 घंटे हाँ 3 घंटे चलने देना उसके 3 घंटे बाद इसमें सामान रखना ठीक है ठीक है इसमें गैस शुरू है ना चलने इसमें और ना भी चीज़ों की बनवा रहे हैं तो अभी इंस्टॉलेशन वाले ने हमें बता दिया कैसे चलता है और इंस्टॉल तो कर दिया अब देखते हैं इसे यूज़ करके वर्लपूल की सर्विस से वैसे हम ज़्यादा खुश तो नहीं है बट चलो फिर इंस्टॉलेशन वालों ने आके कर तो दिया 3 घंटे के लिए अब हमें इसको ऐसे ही छोड़ना है उन्होंने कहा है अब इसका जो अगला रिव्यू हम बताएंगे वो बनाएंगे हम 4 से 5 महीने बाद तो फिर तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए व्लॉग विद रोशनी बाय।